आप सभी नलायक बच्चों का एक बार फिर से वेलकम है बेटा, जहाँ पे हम लोग अब अकाउंट करंट का अगला मेथड कर रहे हैं जिसका नाम है प्रोडक्ट मेथड। सर इसमें चेंज क्या है? कोई चेंज नहीं है सर, बस एक हल्का सा चेंज है सर। वो चेंज बता दो क्या सर? सर इस चेंज में ये होता है, जिस बच्चे को पहला वाला मेथड आता है वो उसको रिलेट करके यहाँ पे दिखेगा तो समझ में आएगा। सपोज कर लो कि सर यहाँ पे लिखा हुआ है अमाउंट 5000, सपोज किया क्या सर? कर लिया। और सर यहाँ पे डेज आ रहे हैं 100, पहली चीज सपोज हो गई डेबिट साइड में बेटा। मैं इसको समझाने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ सेल। अब आप दूसरी चीज सपोज कर लो कि सर यहाँ पे लिखा हुआ है बाय परचेजेस। सर यहाँ पे अमाउंट आ रहा है 2000 और सर यहाँ पे नंबर ऑफ डेज आ रहे हैं 50। समझ में आया? आपने अभी तक दो चीजें सपोज कर लिए बेटा। अब जब सपोज कर लिया तो एक चीज और सपोज करो कि आप ये बना रहे हो 31 दिसंबर 2023 को, और इस दिन आपने बात कर रखी है 6% के इंटरेस्ट पर एनम पे। डन, आपने तीसरी चीज सपोज कर ली बेटा। अब इन सपोज के बाद स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन कैसे होगी बेटा। आप बेटा इस 5000 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आता है? आप इसको प्रोडक्ट वाले कॉलम में लिख दो 5000। बोलो सर समझ में आया? ठीक ऐसे ही क्रेडिट साइड में भी आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखो, कितना आया सर? सर ये आया 1 लाख। लिखो जनाब, जल्दी जल्दी लिखो। सर लिखने के बाद आपको क्या करना है कि आपको प्रोडक्ट वाले कॉलम का बैलेंसिंग करनी है सर। जरा आप प्रोडक्ट वाले कॉलम की अगर आप बैलेंसिंग करो तो बताओ कौन सी साइड का बैलेंस ज्यादा आ रहा है? डेबिट का। तो बेटा डेबिट वाले में लिख दो 5 लाख जितना आ रहा है, और क्रेडिट में भी सेम अमाउंट लिख दो 5 लाख। बोलो समझ में आया? और सर जो बैलेंस आ रहा है वो आप क्लोजिंग डेट से, क्लोजिंग डेट कौन सी है? 31 दिसंबर 2023। बेटा इसमें लिख दो बाय बैलेंस सीडी में वो अमाउंट कितना आ रहा है, अमाउंट डिफरेंस का 4 लाख। आपने यहाँ पे लिख दिया 4 लाख। बोलो सर समझ में आया? डन सर। अब इसको निकालने के बाद आप अपने डेबिट वाले कॉलम में आओ और यहाँ पे लिख दो टू इंटरेस्ट। अरे सर इंटरेस्ट तो आया ही नहीं है। हाँ मुझे पता है नहीं आया है, आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। यहाँ पे स्टार लगाओ और यहाँ पे निकालो बेटा इंटरेस्ट। सर कैसे निकलेगा इंटरेस्ट बता रहा बेटा, 1 मिनट। आप यहाँ पे लिखो अमाउंट, कितना अमाउंट है डिफरेंस का? डिफरेंस का अमाउंट कितना है? 4 लाख। गलती नहीं करना बेटा, यहाँ पे लिखो डिफरेंस का अमाउंट 4 लाख। मल्टीप्लाई करो बेटा अपने रेट से, रेट कितना है? 6% बेटा। और उसके बाद आप यहाँ पे करोगे 1/365। बोलो सर कितना आ रहा है नलायक बच्चे? बोलो 4 लाख * 6% / 365 कितना? 65 पॉइंट लिख दो यहाँ पे सर, 65.75 सर। अब अगला स्टेप क्या होगा? आप इस अमाउंट को क्लोज कर दो सर, आप इस अमाउंट को क्लोज कर दो, कितना आएगा बोलो इधर? 5065.75। तो सर यहाँ पे भी आएगा 5065.75। डन बेटा। अब आप बैलेंस निकाल दो, बैलेंस कितना आएगा सर? 3065.75। और कोई चेंज नहीं है सर। अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो इंटरेस्ट मेथड से ये प्रोडक्ट मेथड ज़्यादा आसान है। आप बच्चों ने अगर 12th क्लास में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कंसेप्ट पढ़ा था प्रोडक्ट मेथड से, तो ये वही है सर। डन, बस इसमें कॉलम ज़्यादा है। कितने कॉलम? टोटल 12 कॉलम। आई होप आप सबको कंसेप्ट समझ में आ गया। अब इस कंसेप्ट से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, आ जाओ जल्दी से। अब बच्चों देखो बेटा, ये जो हमने अभी आपके साथ ये सीखा था बेटा फॉर्मेट प्रोडक्ट मेथड का, मैडम इधर, हमने जो भी प्रोडक्ट मेथड का सीखा था बेटा, मैं ये सेम क्वेश्चन आपको अभी प्रोडक्ट मेथड से करके दिखाऊंगा बेटा, ठीक। अब जिस बच्चे ने इसको कर रखा है पहले, जिस बच्चे ने इसको कर रखा है इंटरेस्ट मेथड से, वो सेम इंटरेस्ट के मेथड्स पे जो कैलकुलेशंस में फिगर्स आई थी वो सब फिल कर लो अपने नए फॉर्मेट में। बस आपको कौन सा कॉलम छोड़ के रखना है बेटा? ये प्रोडक्ट का कॉलम बेटा छोड़ के रखना, बाकी सब एज इट इज सेम होगा बेटा। जल्दी से कर दो बेटा, जल्दी से कर दो, फिल कर दो।
नलायक बच्चों अभी देखो मेरे साथ, नलायक बच्चों अभी मेरे साथ देखो बेटा, हमने जो पिछले क्वेश्चन में किया था मैंने सब कुछ फिल कर दिया, बस एक कॉलम खाली है आपके सामने बेटा। कौन सा कॉलम है वो बोलो बेटा, कौन सा कॉलम खाली है? सर प्रोडक्ट वाला खाली है ना सर, अब देखना सर प्रोडक्ट वाला, अब प्रोडक्ट वाला देखना बेटा। प्रोडक्ट वाला में सबसे पहले आपको क्या करना है सर, आपको ना अमाउंट का और नंबर ऑफ डेज का मल्टीप्लाई कर देना भाई बेटा। जरा इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है? हेलो, 10, क्या नाम है, 4:30 बजे तक क्लास खत्म होगा, चलो 5, हम 5:45 तक आ जाएंगे, ठीक है? ओके आओ नलायक बच्चों आ जाओ बेटा। सबसे पहले कितना आएगा बेटा, हम 200 को मल्टीप्लाई करेंगे 123 से बेटा, बताओ कितना आ रहा है? 24,600। अब आप 330 को मल्टीप्लाई करो 92 से, कितना आ रहा है बेटा? 30,360। बेटा आगे फिर से सेम, इसमें अमाउंट कितना, 20,460। अगला बोलो, 18,600। अगला जीरो, ये वाला बताओ बेटा, 1,170। अगला 31,000 ना, अगला कितना, 15,500। नेक्स्ट बेटा 6,200। बोलो समझ में आया? हाँ जी सर। अब सर इससे चेंज क्या होगा जरा देखना बेटा, चेंज क्या हो जाए बेटा, आपको फिर से अब प्रोडक्ट वाले कॉलम का टोटल लगाना है बेटा। जरा टोटल लगाना प्रोडक्ट वाले कॉलम के डेबिट साइड का कितना आ रहा है, प्रोडक्ट कॉलम के डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है बोलो, 94,020। और इसके क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है बोलो, क्रेडिट साइड का, नलायक बच्चे बोलो जल्दी, अरे नलायक बच्चे बोल दो, कितना, 3, बोलो बेटा, 6,3,6,3,7,7,0। कौन सा बड़ा है डेबिट? तो बेटा डेबिट वाला दोनों साइड लिख दो, 94,020। एक मिनट यार, हाँ सुमित भाई, हाँ जी मैडम, आप मुझे बताओ ना उनको कितनी देनी, मैं दे दूंगा, आप अपने पास से दोगे तो मैं अभी आपके पास कितना भिजवा दूँ लड़के से बोलो, नहीं हो पाएगा इतना, नहीं हो पाएगा। चलान आपका, हाँ जनरेट हो गया चलान, मैं आपको, वही पूरा चीज के लिए, मैं लड़के से बोलो, हाँ जी सर आओ आओ जल्दी आओ बेटा जल्दी आओ। हाँ सर यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 30,250। अपने को क्या करना है सर, जो डेबिट वाला है वो भी यहीं पे लिख दो, 94,020, और जो बैलेंस आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, कितना बेटा, 30,250 बेटा, डन लिख दिया। अभी इंटरेस्ट का कॉलम तो सेटल हो गया, लेकिन सर मुझे अपना अमाउंट वाला कॉलम अब सेटल करना है। सर अमाउंट वाला कॉलम कैसे सेटल होगा ज़रा वो देखो बेटा, अमाउंट वाला कॉलम कैसे सेटल होगा बेटा, अमाउंट वाले कॉलम के लिए मुझे निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट। सर इंटरेस्ट किसके ऊपर, बैलेंस के ऊपर, बैलेंस कितना आ रहा है, 30,250 मल्टीप्लाई रेट कितना बेटा, 6%, डेज बेटा कितने, 1/365। बोलो सर कितना निकल के आ रहा है ये, क्या बात है बेटा। अब इस 4.97 को हम लोग यहाँ पे कैसे दिखाएंगे बेटा, टू इंटरेस्ट के नाम से बेटा, कहाँ पे, अमाउंट के कॉलम में बेटा। बोलो सर कितना आएगा, सर सेम आएगा पिछले क्वेश्चन की तरह 1,484.97। सर यहाँ पे भी कितना आ जाएगा अमाउंट वाले कॉलम में बोलो, सेम सर 1,484.97। तो सर बैलेंस भी कितना निकल के आएगा, सर सेम जो पिछले क्वेश्चन में आया था, 194.97। तो सर मुझे एक बात समझ में आ गई कि अगर मैं प्रोडक्ट मेथड से जाऊं या फिर इंटरेस्ट मेथड से, आंसर विल बी द सेम। डन सर, समझ में आया? चलिए
चलो सर, आज की क्लास के लिए यहीं तक, थैंक यू।